वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं डक और उसके फ्रेंड कंगारू के बीच में जो बातें हो रही हैं उसको बताते हैं। तो जो डक है वो अपने फ्रेंड कंगारू से कह रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है जब वो हॉप करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जंप करता है, ऊंची ऊंची छलांगें लगाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बहुत सारे वाटर बॉडीज़ में भी वो हॉप कर सकता है, ग्रीन फील्ड्स में भी हॉप कर सकता है, और ऐसा लगता है कि ये नेवर एंडिंग है, मतलब उसका जो हॉप करने की एबिलिटी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। और जो डक है वो पॉन्ड में रहता है, वो डक अपने फ्रेंड कंगारू से कह रहा है कि वो इस पॉन्ड में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया है, और वो चाहता है कि उस वो विश करता है कि मुझे भी वर्ल्ड को घूमने का मौका मिले, मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये सब जो ब्यूटीफुल है, मैं इस पॉन्ड में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया, और वो विश करता है कि मैं भी जो मेरा फ्रेंड है कंगारू उसकी तरह मैं भी हॉप कर सकूँ। हॉप मीन्स होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊँची छलांग लगाना। और डक जो है वो अपने फ्रेंड कंगारू से कह रहा है कि उसका भी बहुत ज़्यादा मन करता है कि उसकी भी उसके पास भी हॉप करने की एबिलिटी हो, लॉन्ग जंप करने की एबिलिटी हो, और ये सब सोच के वो सिर्फ एक तालाब में ही रहता है और एक ही नेस्टी पॉन्ड में रहता है और वहाँ पे बोर होता रहता है। ये सब सोच के जो डक है वो कहता है कि मेरी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, और बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड दैट डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द डे थ्रू, एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो डक और कंगारू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जो डक है वो अपने फ्रेंड कंगारू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे अपने बैक में राइड करवाओ, वर्ल्ड का टूर करवाओ, क्योंकि वो जो है एक पॉन्ड में रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। वो कंगारू से कह रहा था कि कंगारू उसको अलाव करें उसको राइड करवाने के लिए अपने बैक में बैठा के, और वो ये भी कह रहा था कि वो उसके बैक में एकदम शांत से बैठेगा, हिलेगा भी नहीं और कुछ कहेगा भी नहीं, सिर्फ क्वैक करेगा। क्वैक क्या होता है, एक साउंड होती है जो डक प्रोड्यूस करते हैं, मतलब डक लोग की आवाज़ जो होती है उसको क्वैक कहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग सुबह से पूरे दिन तक घूमेंगे और बहुत सारी प्लेसेस में विज़िट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्लीजेंट होंगी, और उन लोग प्लान करते हैं, वो प्लान करता है कि हम लोग फील्ड्स में जाएंगे, सीज में जाएंगे, और जो डक करता है, डक जो है वो विश करता है कि वो बहुत सारी इमेजिनेटिव प्लेसेस में जाएंगी, जैसे डी और जेली बोली है, और जो इन सब चीज़ों की बात करते करते जो डक है वो फिर से कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अलाव करे राइड करवाने के लिए पूरे वर्ल्ड का ब्यूटीफुल जो व्यू है उसको देखने के लिए, और वो जो है अपने पॉन्ड से बाहर निकल के इस वर्ल्ड को, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, इसीलिए वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसको अलाउ करे राइड के लिए। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज़ इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिज, सेड द कंगारू।
ये जो स्टैंजा है इसमें जो डक थी वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी अपने फ्रेंड कंगारू से कि वो उसको राइड करवाए, उस पॉन्ड से निकाल के और बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर करवाए, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है हॉप करने की, बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की, जंप करने की, वो बहुत ही अच्छी खासियत है उसके अंदर, और वो उसके वजह से वो उसको पूरी जगह एक्सप्लोर करवा सकता है। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था बार बार कि वो मान जाए, एक्सेप्ट करे। तो कंगारू जो है वो अपने जो फ्रेंड है डक उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे जो फीट होते हैं, तुम्हारे जो पैर होते हैं बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीगे हुए रहते हैं हमेशा, तो अगर तुम मेरे बैक में बैठोगे राइडिंग के टाइम पे, तुम मेरे बैक में बैठोगे और कंटिन्यूअसली वेट चीज़ के प्रेजेंट से उसको कोल्ड हो सकता है, सर्दी हो सकती है। तो कंगारू जो है वो कहता है कि अगर मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हें राइड करवाने के लिए, लेकिन जो तुम्हारे फुट, तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीगे हुए रहते हैं, और अगर वो मुझसे कंटिन्यूसली टच में रहेंगे तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो कंगारू ने ये कहा इस फोर्थ स्टैंजा में। स्टैंजा है, सैट द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पीसेज ऑफ वर्स्ट सॉक्स विच फिट माई वेव फीट नीटली, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। ये जो स्टैंजा है डिस्क्राइब करता है उस सिचुएशन के बारे में जब कंगारू डक से ऑब्जेक्शंस कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, क्योंकि कंगारू कह रहा था कि अगर तुम मेरे ऊपर बैठ के राइड करोगे, तुम्हारे फीट इतने ज़्यादा वेट होते हैं तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, मुझको कोल्ड हो सकता है, लेकिन जो डक है वो अपने फ्रेंड को कहता है कि उसके पास उस चीज़ का सलूशन होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं जब रॉक पे बैठा था, मैं जब पत्थर के ऊपर बैठा था, तो मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा था और मेरे पास इसका प्लान भी है, इसका सलूशन भी है। उसने कहा कि मैंने 4 पीसेस सॉक्स के ख़रीदे हैं जो मेरे वेब वेब के जैसे, जो मेरे फीट हैं जो जाले की तरह, जो उसके पैर हैं उसको कवर कर लेंगे और वो उसको ठंडक नहीं लगेगी, और उसने एक क्लॉक ख़रीदा है जो बहुत ही गर्म कोट होता है उसको ख़रीदा है, और उसको पहन लेगा तो उसको ठंडक नहीं लगेगी और गर्मी महसूस होगी। और उसने कहा कि मैं एक रोज़ एक सिगार जो है उसको स्मोक करा करूँगा, जिसके वजह से मेरे अंदर से गर्म रहूँ मैं, और मैं बहुत तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसके वजह से मैंने तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से उसके सॉल्यूशंस निकाल के रखे हुए हैं। और जो डक है वो अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचे हैं कि तुमको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। स्टैंजा है, सैड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं जो जर्नी डक और कंगारू ने कवर की है, और ये जो जर्नी है उन लोग मून लाइट जो है पूरे सुबह से ले कर मून लाइट तक, सुबह से शुरू करते थे और रात में ख़त्म करते थे अपनी जर्नी को। और जो कंगारू है उसने डक से कहा था कि तुम मेरे टेल में एकदम बहुत ही अच्छे से स्टीडी और स्टिल बैठना, जिसके वजह से जो मेरी हॉप है, जो मेरा लॉन्ग जंप है वो मेंटेन रहे और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ अपनी जर्नी को। और जो डक है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत
ज़्यादा कोऑपरेट किया, और कंगारू जो है और डग दोनों फ्रेंड्स बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रिपरेशंस के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। और उन लोग जो वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड, पूरी जो ग्लोब वर्ल्ड है, उसमें 3 बार चक्कर लगाते हैं, 3 बार उसको घूमते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ब्यूटी को फील करते हैं। और जो पोएट हैं इस स्टैंजा में लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं हम लोग के लिए कि आप लोग बताइए कि इस जर्नी में, इस जो जर्नी कवर किए हैं दोनों, इन सब में से कौन ज़्यादा खुश हुआ, डग या कंगारू? द डक एंड द कंगारू हु हैव बीन हैप्पियर? ये जो क्वेश्चन है इसको पोएट इस पोएम के लास्ट में छोड़ के जाते हैं कि हम लोग उसको डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।